वैसे तो जनधन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। जी हाँ भाई बहनों, बिल्कुल सही सुना आप लोग ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर कर दिए 5 बड़ी घोषणाएं और कर दिए 10 बड़े ऐलान, जिसके अंतर्गत जिनका भी है जनधन खाता उनको उनके जनधन खाते में जनधन योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। और अगर आपके घर में कोई भी महिला है और वो पहली बार गर्भवती होती है तो उनको 3 किस्तों में 6,000 रुपए की धनराशि जनधन योजना के अंतर्गत मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। आपको बता दें भाई बहनों, मोदी सरकार ने 15 अगस्त को कई बड़ी घोषणाएं की है जिसके अंतर्गत देश के किसान, विकलांग, मजदूर, गरीब, बेरोजगार वर्ग के भाइयों बहनों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए मोदी सरकार ने जनधन योजना के अंतर्गत कई योजनाओं को शुरू किया है, जिसमें आज आपको हम बताएंगे कैसे अगर आपका एक जनधन खाता है तो आपके जनधन खाते में आपको 10,000 रुपए की धनराशि मिलेगी, जैसे हमारे देश में 14 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रही है। और दूसरा, आपको बता दें अगर आपके घर पे कोई भी महिला है उनको 3 किस्तों में 6,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। बस आपको आवेदन करना आना चाहिए, आवेदन करने की प्रक्रिया पतियां होनी चाहिए जिसके बाद आपको ये पैसा मिल सकता है। भाइयों बहनों, आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, सारी जानकारी आपको हम बताने आ रहे हैं। आपको बता दें भाई बहनों, आपके जनधन खाते में ये 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, जैसे हमारे देश में 14 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रही है। आपको बता दें भाई बहनों, देश के जितने भी गरीब वर्ग के भाई बहन हैं उनके लिए मोदी सरकार कई ऐसी सरकारी योजनाएं चालू करती है जो आप लोगों को पता नहीं चल पाती हैं। अगर आप लोग हर सरकारी योजना के बारे में जानना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको हम बताते हैं भाई बहनों कैसे जनधन योजना के अंतर्गत आपके जनधन खाते में आपको 10,000 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, जनधन योजना के अंतर्गत जो शुरुआत की गई है वो गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पहली बार कोई भी महिला जो गर्भवती बनेगी उसको सिर्फ नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद उनको जनधन खाता नंबर देना है। उनको 3 किस्तों में उनके शिशु का लालन पोषण करने के लिए केंद्र सरकार 2,000 रुपए करके धनराशि भेजेगी। आपको बता दें भाई बहनों, ये जो आवेदन करने की प्रक्रिया होगी बिल्कुल निःशुल्क होगी, इसमें कोई भी महिला आवेदन कर सकती है। दूसरी, आपको बता दें अगर आपका एक जनधन खाता है तो आपको 10,000 रुपए का लाभ आपके जनधन खाते से मिलेगा। आपको बता देने आते हैं भाई बहनों, इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले आपके पास सरकारी बैंक में एक जनधन खाता होना चाहिए। अगर आपका खाता किसी प्राइवेट बैंक में है तब आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपका आधार कार्ड आपके जनधन खाते से लिंक होना चाहिए। अभी तक आपने अपने जनधन खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, आप लोग भूल जाइए, आपको कभी भी कोई भी सरकारी योजना का फायदा मिलेगा। और तीसरा, आप लोग टैक्स के दायरे में ना हो। आपको बता दें भाई बहनों, मोदी सरकार ने जनधन योजना की शुरुआत ही इसलिए की थी ताकि देश के जितने भी गरीब वर्ग के भाई बहन हैं जो आर्थिक रूप से परेशान हैं उनको हर सरकारी योजना का फायदा सीधे सरकार की तरफ से उनके जनधन खाते में दिया जा सके। तो आपको बता दें, अगर आप लोग सरकारी नौकरी में हैं तब भी आप लोग जनधन योजना के अंतर्गत नहीं पा सकते हैं 10,000 रुपये की धनराशि। अगर आप लोग इन शर्तों के अंतर्गत आते हैं, आपके पास ये दस्तावेज हैं, सिर्फ एक आवेदन कर दीजिए जिसके बाद आपको भी ये 10,000 रुपए की धनराशि आपके जनधन खाते में प्राप्त होगी। तो भाइयों बहनों, आपको हम बताते हैं किस योजना के अंतर्गत आपको आवेदन करना है और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से हर हफ्ते 5 लोग चुने जाते हैं और 5 लोगों को एंड्रॉइड का फोन दिया जाता है। इस हफ्ते की भी महान प्रतियोगिता चालू हो चुकी है। आपको अगर ये मोबाइल जीतना है, आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना उत्तर देना है कि आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी सरकारी योजना कौन सी है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो वीडियो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देगा, उन्हीं में से 5 लोग चुने जाएंगे, उनके 5 एंड्रॉइड के मोबाइल इसी हफ्ते उनके घर तक पहुंचा दिए आएंगे, इसलिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आपको बता देने आते हैं भाई बहनों, अब आपके जनधन खाते में चाहे 1 रुपए पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, आप अपने जनधन खाते से निकाल सकते हैं 10,000 रुपए की धनराशि ओवरड्राफ्ट का फॉर्म भर के। अब ये ओवरड्राफ्ट का फॉर्म क्या है आपको बता दें, आपको अगर पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, आपके जनधन खाते में 1 भी रुपया नहीं है, तो आप लोग ओवरड्राफ्ट का फॉर्म भरिए। अभी जो पैसा मिलेगा आपको जनधन खाते से, ये एक समय अवधि के लिए मिलेगा। समय अवधि के अंदर अगर आप लोग अपने जनधन खाते में पैसा लौटा देते हैं तब आपको किसी भी तरीके की चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर समय अवधि के बाद लौटाते हैं तब आपके ऊपर बड़ी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो भाइयों बहनों, अब जनधन खाता ही आपको अधिकार देता है कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, आप अपने ही जनधन खाते से 10,000 रुपये तक की धनराशि का लाभ उठा सकते हैं। तो भाई बहनों, जो आज ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही थी वो हमने आपको बता दी। ऐसी हर सरकारी योजना के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे।